हेलो फ्रेंड्स, क्या आप अपने स्नैपचैट का पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं? और दोस्तों, आपको बिल्कुल भी नहीं पता है कि स्नैपचैट का पासवर्ड कैसे चेंज किया जाता है, तो फ्रेंड्स आज आप इस वीडियो को बिना स्किप किए आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्नैपचैट का पासवर्ड चेंज करने के लिए सबसे पहले तो आपको स्नैपचैट ऐप को ओपन कर लेना है। दोस्तों, जैसे स्नैपचैट ऐप को ओपन करेंगे तो दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे प्रोफाइल का ऑप्शन, आप सिंपल प्रोफाइल वाला ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देंगे। जैसे आप प्रोफाइल वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे ऊपर में सेटिंग का ऑप्शन, आप सिंपल क्या करें, सेटिंग वाला ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देंगे। जैसे सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों आपको अपने पासवर्ड को चेंज करने के लिए क्या करना होगा, दोस्तों नीचे यहाँ पे देखें पासवर्ड का ऑप्शन, आप सिंपली पासवर्ड ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर देंगे। जैसे पासवर्ड वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे काफी सारा इंटरफेस आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ बोला जाए कि अभी जो आपका करंट पासवर्ड है वो डालें। अगर दोस्तों आपको करंट पासवर्ड पता है तो दोस्तों यहाँ पे डालकर नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपका आगे का प्रोसेस आ जाएगा। दोस्तों हमें तो करंट पासवर्ड याद नहीं, तो दोस्तों कैसे चेंज करें, तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना होगा, नीचे हमने फॉरगॉट योर पासवर्ड का ऑप्शन, आप सिंपली फॉरगॉट योर पासवर्ड वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमने via फोन नंबर और ईमेल आईडी लिखा हुआ आ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना ये है कि आप अपने स्नैपचैट अकाउंट में अगर फोन नंबर दिए हुए हैं तो फोन नंबर पे क्लिक करेंगे, अगर ईमेल आईडी दिए हुए हैं तो ईमेल आईडी पे क्लिक करेंगे। अगर दोनों दिए हुए हैं स्नैपचैट में तो दोस्तों आप किसी पे भी क्लिक कर देंगे। दोस्तों मैं यहाँ पे फोन नंबर पे क्लिक कर दे रहा हूँ क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पे अपना फोन नंबर दिया हूँ। जैसे यहाँ पे इस पे क्लिक करें तो दोस्तों आपका फोन नंबर यहाँ पे शो हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे वेरीफाई का ऑप्शन, आप सिंपल वेरीफाई वाला ऑप्शन पे नीचे में जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आपके फोन नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी का आपको क्या करना है, यहाँ पे डाल देना, ऑटो वेरीफाई हो जाएगा। जिसे डालेंगे तो ऑटो वेरीफाई हो जाएगा, खुद से ही ले लेगा। अगर खुद से नहीं लेगा तो जो ओटीपी आएगा वो डालकर आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे वेरीफाई पे, तो दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखें बोला जाएगा कि यहाँ पे न्यू पासवर्ड जो आप सेट करें, जो भी पासवर्ड आप यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं वो, तो दोस्तों जो भी पासवर्ड आप यहाँ पे आप अपने स्नैपचैट में चेंज करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, वो पासवर्ड डालेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना ये है कि दोनों बॉक्स में आपको सेम पासवर्ड डालना है, तभी दोस्तों यहाँ पे चेंज होगा। अगर दोस्तों दोनों में अलग अलग पासवर्ड रहेगा तो दोस्तों यहाँ पे चेंज नहीं होगा। दोस्तों देख सकते दोनों में आपको सेम पासवर्ड डालना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखें सेव का ऑप्शन, आप सिंपली क्या करेंगे, सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर लिखकर आएगा योर पासवर्ड हैज़ बिन अपडेट, यानी कि आपके स्नैपचैट का पासवर्ड जो अपडेट हो चुका है, चेंज हो चुका है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि आप अपने स्नैपचैट का पासवर्ड चेंज कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूले। दोस्तों मिलते हैं इस प्रकार की दूसरे वीडियो में।